इंडिया गठबंधन के अंदर हनुमान बेनीवाल इस बार शामिल हुए थे और इसका नतीजा आप सभी को बताया कि वह भी जीते और साथ ही साथ कई सीटों के ऊपर कांग्रेस की उन्होंने प्रचार भी किया था, लेकिन अब वह इंडिया गठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि इंडिया गठबंधन की हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। आखिरकार राजस्थान के अंदर जब ये जीत हुई कांग्रेस की इतनी सीटों के ऊपर, उसमें हनुमान बेनीवाल का भी कहीं ना कहीं हाथ था और इसी के चलते हुए कहीं पर भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल के समर्थन से हम यह जीतते हुए नजर आए। तो क्या आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर दोबारा से हलचल भरा माहौल रहेगा? क्या हनुमान बेनीवाल गठबंधन को तोड़ देंगे? लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये चर्चा का विषय है कि हाल फिलहाल उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद में क्या अब ये समर्थन जारी रहेगा और फिर इस समर्थन के साथ साथ क्या बीजेपी को वह दोबारा से चुनौती कैसे देते हुए नजर आएंगे? तो हाल फिलहाल की रिपोर्ट में तय, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।